नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गड्ढा में बहुत सारा मछली पकड़े हैं, उसी का रेसिपी बनाने वाले हैं। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए क्या क्या हो रहा है। तो देखिए क्या क्या मछली पकड़े हैं, बहुत तरह तरह का मछली पकड़े हैं हम लोग आज। ये पोठी मछली पकड़े हैं, आप लोग सुने अभी पोठी मछली का नाम। ये गरई मछली है, गरई मछली भी सुने हैं भोजपुरी गाना में, आप लोग जरूर सुने होंगे। ये ईल मछली है जिसको गेची मछली बोलते हैं। ये देसी मांगूर। तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए क्या है क्या हम लोग प्रोसेस अपना रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मछली को काट के साफ कर चुके हैं, इसमें हल्दी नमक सब मिला लिए, इसको अच्छा से मिला लिए। अब इसे तलना है, तो मेरी बहन अभी तल रही है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको अभी अच्छा से तलेंगे, तब जाके खाने में आज का जो रेसिपी हम लोग का अच्छा बने, अच्छा लगे खाने में। तो हम लोग को लग रहा है कि एक साइड हो गया होगा, इसीलिए अब मेरी बहन अब इसको इसका पलट के इसको दूसरे साइड कर देगी, ताकि उस साइड भी अच्छा से तला जा सके। तो जो भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो लग रहा है कि अब हम लोग का पूरा हो गया है तला हुआ मछली। अब मेरी बहन उठा रही है, देखिए थाली में आपको और छोटा मछली सब नज़र आ रहा है। पहले हम लोग तल चुके हैं, अगर मैं उसका वीडियो बनाता तो शायद मेरा वीडियो लंबा होता, ये सोच के मैंने उस सब का पहले जो मछली तला उसका वीडियो नहीं बनाया। तो फिर भी मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, देखिए हम लोग गाँव देहातों में कैसे मछली का रेसिपी बनाते हैं, छोटा मछली का रेसिपी। अगर मेरा तरीका अच्छा लगा तो आप लोग भी अपना सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छा ही लग रहा होगा। तो मेरी बहन अभी तेल में मसाला डाल दी है, अब इसे अच्छा से भूज रही है। इसमें लहसुन प्याज सब मिला के वो लोग पीस चुके थे, अब इसमें अच्छा से इसको तेल में भूजना है। अब मेरी बहन धनिया पत्ता काट के रखी थी, उसे भी डाल दी। अब इसको अच्छा से चलाते रहना है, ताकि धनिया पत्ता अच्छा से गल जाए। तो मेरे वीडियो में बने रहिए और देखिए क्या क्या हो रहा है। देखिए मेरी बहन अभी हल्दी और नमक डाल दी है, अब इसको अच्छा से मिक्स कर रहे हैं हम लोग। तो इसी टाइप से मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, उसे भी देख सकते हैं जाके आप। तो मेरे चैनल में एक बार ज़रूर विजिट करें। तो देखिए ये बिल्कुल एकदम देहाती टमाटर, गांव देहात का टमाटर, देखिए ज़्यादा लाल नहीं है लेकिन खट्टा भरपूर है। तो इसे भी अच्छा से मेरी बहन अभी मिला रही है ये अच्छा से, ताकि गल जाए तो हमारा जो रेसिपी बनेगा रसदार बनेगा आज। तो देखिए लगभग लगभग टमाटर धनिया सब गल चुका है। अब हम लोग पानी दे रहे हैं, पानी इसलिए दे रहे हैं कि आज का जो रेसिपी बने है रसदार बनने वाला है। तो मेरी बहन अभी उचित मात्रा में पानी दे रही है, ताकि हम लोग घर में जितना भी मेंबर हैं सदस्य हैं सबका हो जाए। तो देखिए अब उबलने शुरू हो चुका है, मेरी बहन मछली जो हम लोग जो तले थे भुजे थे उसे भी डाल दी, अब इसे कुछ देर उबालना है। तो रसदार रेसिपी हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, गांव देहात में इस तरह बनाते हैं। आप लोग कोई गांव से बिलोंग करते हैं, कोई शहर से, तो आप लोग का बनाने का तरीका अलग अलग हुआ। तो मेरा तरीका अगर पसंद आ रहा है तो इसके लिए एक लाइक भी कर दें, मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट करते रहें। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसे तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए आपको कैसे लग रहा है, लग रहा है कि हाँ ये टेस्टी बना है। तो देखिए ये सरसों पीस के रखे हैं, इसे भी डालेंगे, मस्टर्ड पेस्ट इसे भी आज हम लोग देंगे, देखते हैं रेसिपी में क्या बदलाव आता है। तो आज का रेसिपी कुछ अलग बनने वाला है। तो सरसों का जो पीस के रखे थे उसे भी डाल दिए हम लोग। अब देखिए अलग नज़र आएगा, इसमें कुछ बचा इसमें भी पानी डाल के दे दिए हैं। तो देखिए अब अलग नज़र आ रहा है। तो आज का रेसिपी यही बना है, इसको कुछ देर उबाल लेंगे, उसके बाद अब खाने की तैयारी होगा। अब तो जो भी पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,